हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, एक है यस बैंक, एक है HFCL। मैं डेली अभी यहां पे अगर आप देखोगे यस बैंक का इतना ज़्यादा नहीं पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप यहां पर देख पा रहे होगे तो FII इसके डेटा में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या उससे यहां पे गेम चेंज हो सकता है या फिर सिनेरियो जो अभी चलता हुआ आ रहा है वही चलता हुआ जाएगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी निकल के आ रही है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है दोनों ही शेयर के बारे में, चाहे वो HFCL हो या फिर यस बैंक हो, कि दोनों ही शेयर बहुत जल्दी डीलिस्ट होने वाले हैं। मैं इसके पीछे की भी पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ कि क्या सिनेरियो सच में ऐसा है या फिर जस्ट एक ये इन्वेस्टर को फंसाने की न्यू ट्रिक निकाली जा रही है। वहीं अगर बात करें HFCL के बारे में तो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे कल, तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे आज यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज भी गिरावट का सिलसिला आपको इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिला है। यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसमें पहले गिरावट आती थी, फिर अचानक से बड़ा मूवमेंट आता था, फिर से गिरावट आती थी, फिर मूवमेंट आता था। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप देख पा रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली गिरावट का ही सिलसिला जारी है, चाहे वो बहुत ही माइनस ही गिरावट ही क्यों ना हो, लेकिन गिरावट ही चलती हुई जा रही है। सीधी सीधी बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं कि क्या सच में इसमें आगे मूवमेंट आएगा कि या फिर ये बिल्कुल ही नीचे जाता चला जाएगा। मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जिससे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे करीबन 39% की जो होल्डिंग है वो रिटेल के पास है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यस बैंक में जो रिटेल सेक्टर है वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब करीबन 40% का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग दिखती है, जिसकी वजह से ही इसमें इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं या फिर जिसकी वजह से आपको इसमें गिरावट देखने को ज़्यादा मिलती है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे DII's का डेटा तो वो आपको करीबन 46% के अराउंड देखने को मिल जाता है। अब इसमें जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बोला हुआ था कि यस बैंक में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करो, और बहुत सारे लोगों ने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी थी, जिसकी वजह से आपको DII's का जो डेटा है वो होल्डिंग्स आपको बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो यही है, म्यूचुअल फंड्स का मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता ही चुका हूँ तो अब इसमें रिपीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसी जगह ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, अदरवाइज वो हाल फिलहाल किसी भी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करीबन 13% की होल्डिंग अभी भी अगर आप देखोगे तो FII's की आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए कि उसमें इतना परसेंट अगर FII's ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कुछ सोच समझ के यहाँ पे जरूर किया होगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं कि कैसा कैसा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो लास्ट मार्च है उसमें करीबन 1.8 से मतलब करीबन 2% की होल्डिंग हुआ करती थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो कि अब बढ़ के 13% तक हो गई है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट इसके क्वार्टर मतलब दिसंबर तक की, तो उसमें इसकी जो होल्डिंग थी वो 15% थी। अभी थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली 2% से तो देखोगे 13% तक यहाँ पे आपको FII's की होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। बहुत बड़ी बात निकल के आती है किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए। ओवरऑल सिनेरियो तो यही है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। जो इसका मेन डीलिस्टिंग की भी निकल के आ रही है बात, ये शेयर डीलिस्ट नहीं होने वाला है जहाँ तक कि पूरे जो सिनारियो हैं इसके वो, क्योंकि ऐसे ही अगर आप हर किसी के शेयर के बारे में डीलिस्टिंग की अफवाह उड़ा दोगे तो उससे शेयर डीलिस्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो SBI की भी होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। चाहे सिनारियो ऐसा ही चलता रहे कि इसमें गिरावट का सिलसिला चलता रहे, लेकिन चीज़ें इसमें धीरे धीरे करके सुधरती जा रही हैं, जो कि आप इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर देख पाओगे। मैंने भी आपको यहाँ पे हमेशा से ही बोला है कि यस बैंक में हमेशा से ही लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चलो, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी विज़न नहीं देखेगा।
तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा कि होल्ड करो, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के नहीं आए, तब तक लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। और जितनी भी अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसकी वजह से बस आपको यहाँ पर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जिट कर सकते हो। यही सिनेरियो अगर आप देखोगे तो येस बैंक का निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं HFCL के बारे में। HFCL का जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आज आपको इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक टाइम पे तो इतनी बड़ी गिरावट आ गई थी कि लग रहा था कि कहीं इसमें 5% का लोअर सर्किट ना लग जाए, लेकिन आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली और करीबन आपको यहाँ पे 3.5% के अराउंड यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली आज के दिन। ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इनका कल क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया था जिसमें जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर चेंज में थोड़े से आपको चेंजेस दिखाई दिए थे, मतलब बहुत ही माइनस ही परसेंटेज से वेरी की थी चीज़ें, जिसकी वजह से आप देखोगे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू ऑलरेडी बताया भी था कि HFCL अब ऐसा शेयर है जिसमें रिटेल जो सेक्टर है वो अब धीरे धीरे इसमें इंक्लूड होना स्टार्ट हो चुका है, और जब हम लोगों को ये बात पता है तो ऑपरेटर्स को तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी जल्दी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ही कोई अच्छा शेयर जो बहुत अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहा है या रिटर्न्स दे रहा है, उसमें जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, ऑपरेटर्स अपने एक्टिव हो जाते हैं, वो इस शेयर को नीचे लाने का पूरा पूरा ट्राई करना स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से कोई गिरावट आएगी तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा और नज़र में आ जाएगा, लेकिन कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइक जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हो या फिर कुछ और पर्टिकुलर न्यूज़ हो, उसके बाद से अगर गिरावट आएगी तो वो हाईलाइट नहीं होता। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे एक अफवाह भी फैलाई जा रही है कि HFCL बहुत जल्दी डीलिस्ट होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा फिर से कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि मैंने आपको येस बैंक में बताया, क्योंकि ये शेयर बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जो अफवाह आ रही हैं उन पर ध्यान देना है, क्योंकि पैसा तो आप ही का है और डिसीजन भी पूरे ही आप ही के होंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसे शेयर में आपको इन्वेस्ट करके रखना है जहाँ पे आपको इतने बेहतरीन रिटर्न्स मिल चुके हैं, या फिर जो लोगों का काम है अफवाह फैलाना, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे स्ट्रेस देना जिसकी वजह से जो इसका शेयर प्राइस है वो नीचे चला जाए, वहाँ पे वो अपनी बहुत बड़ी बल्क में बाइंग कर सकें। तो ये पूरा सिनेरियो होता है शेयर मार्केट का जो कि मैंने आपको बता दिया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। और मेरा काम है यहाँ पे आपको अवेयर करना, चीज़ें जो भी है एक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आपको मैं हर वीडियो के थ्रू बताता हूँ, चाहे फिर वो येस बैंक में नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों ना हो, मैं ज़रूर बताता हूँ। मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि दिस चैनल इज़ एंटी येस बैंक, जो कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो मेरा बस यहाँ पे काम है सारी चीज़ें आपके सामने रखना, डिसीजन लेना आपका काम है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।